संसद की गरिमा पर फिर पोती काली। तेलंगाना विरोधी सांसदों ने सदन में मचाया उत्पात। टीडीपी सांसदों ने सदन में फेंका जहरीला पेपर स्प्रे। सांसदों के बीच जमकर चले लात घूंसे। उखाड़ा स्पीकर कमाए। विजयवाड़ा के सांसद लगदापति राजगोपाल ने सांसदों के ऊपर फेंका जहरीला पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे से कई सांसदों की तबीयत बिगड़ी। टीडीपी के सांसद वेणुगोपाल पर सदन में चाकू निकालने का आरोप। वेणुगोपाल ने किया इनकार। कांग्रेस के सांसदों पर लगाया मारपीट का इल्जाम। टीडीपी सांसद नारायण राव ने खाया संदिग्ध पदार्थ। आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेडिकल सुविधा में कमी की वजह से अपोलो रेफर। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले उत्पाती सांसदों को मामूली सजा। 17 सदस्यों को महज 5 दिनों के लिए किया गया सस्पेंड। सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और सदन को एनडीआरएफ ने कराया खाली। आज लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों की कल से 3 दिन तक बैठक नहीं। शुक्रवार को गुरु रविदास जयंती की वजह से छुट्टी। 15 और 16 फरवरी को शनिवार और रविवार होने की वजह से सदन की बैठक नहीं। संसद में हुए पेपर स्प्रे कांड से स्पीकर वीरा कुमार हुई आहत। बोली संसद में जो कुछ भी हुआ वो शर्मसार करने वाला है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे संसद में हुए हंगामे से दुखी। बोले संसद को शर्मसार करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी संसद में हुए हंगामे से निराश। बोले भरोसा नहीं होता ऐसा संसद में हुआ। भारतीय होने की वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहा। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस पर बोला हमला। बोले जो भी हुआ वो कांग्रेस की वजह से हुआ। कांग्रेस के नेता पार्टी की कमान से बाहर हो चुके हैं। संसद से सस्पेंडेड एल राजगोपाल ने आरोपों से किया इनकार। बोले संसद में हमने कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। सदन में छिड़का पेपर स्प्रे। वाईएसआर कांग्रेस सुप्रीमो जगन मोहन रेड्डी ने हंगामे पर जताया दुख। बोले सदन में आज की घटना ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सांसद नारायण राव को देखने पहुंचे आरएमएल अस्पताल। संसद में जो कुछ हुआ उसके लिए सोनिया गांधी को बताया जिम्मेदार। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सुधीर कृष्णा मामले में दी सफाई। बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सुधीर क्या बोल रहा था। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर अफसरों ने अपमानित करने का लगाया था आरोप। शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा ने की थी शिकायत। अंग्रेजी ज्ञान को लेकर किया था अपमानित। सोमवार को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लोकसभा में अंतरिम आम बजट पेश करेंगे। 12:30 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद रखा जाएगा अंतरिम आम बजट। देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम देश का 83वां बजट करेंगे पेश। चिदम्बरम का होगा 9वां बजट। चिदम्बरम पूर्व पीएम मोरारजी देसाई से सिर्फ एक कदम पीछे। दिल्ली की विधानसभा में भी सत्र के पहले दिन हंगामा। हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही 5 बार करनी पड़ी स्थगित। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती का उठाया मसला। सोमनाथ की इस्तीफे की मांग की। हंगामे के चलते कार्यवाही 20 मिनट के लिए करनी पड़ी स्थगित। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में किया हंगामा। कांग्रेस नेता वेल में पहुंचे। विधायक आरिफ मोहम्मद ने स्पीकर के सामने रखे कार्यवाही के कागज फाड़ डाले। कांग्रेस विधायकों ने केजरीवाल के सामने लगे माइक को उखाड़ने की कोशिश की। हंगामे की वजह से एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित। 5वीं बार सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सोमनाथ भारती की टेबल पर अदरक चूड़ियां और लिपस्टिक रखी गई। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही कल दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा स्पीकर ने सभी पार्टियों की बुलाई बैठक। सदन में अवरोध को दूर करने और सदन की बैठक सुचारू रूप से चलाने की कोशिश। बीजेपी ने आप से बर्खास्त विधायक विनोद कुमार बिन्नी को सत्ता पक्ष के साथ बैठने पर जताई आपत्ति। सदन में मचाया बवाल। विधानसभा में हुए हंगामे पर भड़के सीएम केजरीवाल। बोले बीजेपी कांग्रेस का मैच फिक्स है। दोनों पार्टियों ने जानबूझकर किया हंगामा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल कांग्रेस पर निकाले उन्होंने भड़ास। कहा बीजेपी कांग्रेस के षड्यंत्र का हुआ पर्दाफाश। कांग्रेस आपका नहीं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आप पर लगाया आरोप। बोले जनता से रायशुमारी करने वाली पार्टी सदन में बहस से डरती है।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लगली ने सदन में हुए हंगामे के लिए केजरीवाल पर बढ़ा दोष। बोले नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर नस्लीय हमले पर सदन चाहता था चर्चा, लेकिन केजरीवाल सरकार सदन को स्कूल की तरह चलाना चाहती है। केजरीवाल के जन लोकपाल पर और बड़ा सियासी पारा, आज पेश नहीं हुआ बिल। कांग्रेस बीजेपी ने कहा अगर संवैधानिक होगा बिल तभी समर्थन। दिल्ली विधानसभा में सरकार ने जन लोकपाल बिल पेश करने का किया था ऐलान, लेकिन ऐन वक्त जन लोकपाल बिल को एजेंडे से हटाया। विधायकों को बिल की कॉपी देने के बाद होगा पेश। दिल्ली कैबिनेट ने स्वराज बिल किया पास, एक दो दिन में सदन में रखा जाएगा। इसी सत्र में केजरीवाल सरकार कराना चाहती है स्वराज बिल पारित। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, आपकी सरकार के खिलाफ विरोध। अमेरिका की भारत में राजदूत नैंसी पॉवेल ने की मोदी से मुलाकात, बड़ा सवाल क्या मोदी के बढ़ते कद के बाद अमेरिका ने किया रुख में बदलाव। अमेरिका की राजदूत नैंसी पॉवेल ने नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में की मुलाकात, दोनों राजनेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। सवाल ये कि क्या खत्म हो गया 9 साल से जारी बहिष्कार। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए नैंसी पॉवेल एक दिन पहले पहुंची थी अहमदाबाद। पॉवेल की मोदी से मुलाकात पर विपक्ष ने बोला हमला। सियासी हलकों में मोदी पॉवेल मुलाकात को लेकर चर्चा, जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले मोदी अपने चाल चलन का अमेरिका से सर्टिफिकेट चाहते हैं। मोदी से अमेरिकी राजदूत की मुलाकात को लेकर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने टिप्पणी से किया इनकार, खुर्शीद ने गुजरात दंगों की तुलना यहूदी नरसंहार से की। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने नैंसी पॉवेल और नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर अमेरिका पर बोला हमला, अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मोदी से की मुलाकात, उन्हें लगता है कि 2014 में मोदी पीएम बनेंगे। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने मोदी से नैंसी पॉवेल की मुलाकात पर टिप्पणी करने से किया इनकार, बोले अमेरिका को तय करना है कि इसको क्या करना है। रालेगढ़ सिद्धी में तृणमूल के सांसद अन्ना से मिले, तृणमूल कांग्रेस के मुकुल राय की अगुवाई में अन्ना हजारे से मिले। अन्ना हजारे ने ममता बनर्जी की जमकर की तारीफ, बोले देश के 3 सीएम को जताया आभार, ममता को बताया सबसे बेस्ट। अन्ना ने सियासी पार्टियों को 17 सूत्री कार्यक्रम की पत्रिका दी थी और त्रिपुरा, गोवा और पश्चिम बंगाल के सीएम ने अन्ना का किया है समर्थन। टोल मुद्दे पर जोरदार आंदोलन के एक दिन बाद एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने सीएम पृथ्वीराज चौहान से की मुलाकात, सीएम और राज के बीच कई मुद्दों पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री चौहान एमएनएस सुप्रीमो राज को उन्होंने भरोसा दिलाया, छोटे नाके खत्म करने और टैक्स घटाने पर हो सकता है विचार। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने टोल नाकों की ऑडिट करने की मांग की, सीएम चौहान ने राज की मांग पर जताई सहमति। कल मुख्यमंत्री चौहान की अपील के बाद एमएनएस ने टोल पर रास्ता रोको आंदोलन किया था समाप्त, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाकों पर मचाया था बवाल। टोल प्लाजा के खिलाफ एमएनएस का रास्ता रोको अभियान के दौरान राज ठाकरे को किया गया था गिरफ्तार, कुछ घंटे के बाद ही एमएनएस प्रमुख को किया गया था रिहा। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों के हाथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के पुतले थे जिसे उन्होंने जलाया। दिल्ली के आंध्रा भवन के सामने आंध्र के नेताओं का धरना, नेताओं ने कैंडल लाइट जलाकर किया प्रदर्शन। गाजीपुर में बीएसपी कार्यकर्ता और लोकल आपस में भिड़े, स्वामी प्रसाद मौर्य की पब्लिक मीटिंग के दौरान हुई झड़प। पश्चिम बंगाल के नए नवेले कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अन्ना हजारे पर बोला हमला, बोले अन्ना भी राजनीति में आना चाहते हैं। 8 लोगों को जख्मी करने वाले बेकाबू कार की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद, मंगलवार रात चारकोप बस स्टॉप के पास हुआ था हादसा। जम्मू कश्मीर के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शब्बीर अहमद खान पुलिस के सामने हुए पेश, आरोपों से किया इनकार, खुद को बताया निर्दोष। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पर है महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ का आरोप, इसी आरोप की वजह से शब्बीर अहमद की छीनी गई कुर्सी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिजबुल का आतंकी हुआ गिरफ्तार, पाकिस्तान से वापस लौटते वक्त पूरे परिवार के साथ धरा गया आतंकी। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में दिनदहाड़े 10 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी के जरिए गैंग की करती पाई सामने। मुंबई के व्यापारी अशोक सिंह मामले पर करा चुके हैं एफआईआर, लेकिन बेंगलुरु पुलिस की पकड़ से बदमाश अब तक फरार। दिल्ली पुलिस ने मनाया दिल्ली पुलिस सप्ताह, 16 से 23 फरवरी तक दिल्ली वासियों की सुरक्षा को लेकर बनाएगी प्रोग्राम।
दिल्ली पुलिस ने सेलिब्रेशन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी भेजा न्योता। 17 को राष्ट्रपति सहित कई गणमान्य लोग होंगे शामिल। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए जारी किया स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले के बाद पुलिस ने उठाया कदम। नागपुर के किसानों ने राष्ट्रीय एग्रीकल्चर एक्सपो का किया विरोध। प्रदर्शनी के समापन पर किसानों का प्रदर्शन। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बढ़ने के चलते औंधे मुंह गिरा बाजार। सेंसेक्स 255 अंक की गिरावट के साथ 20,193 और निफ्टी 6,000 पर बंद हुआ। 10 दिन बाद आखिरकार खत्म हुई 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी। नीलामी से सरकार को 61,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। पूरी नीलामी में कुल मिलाकर 68 राउंड चले। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी लौटी। सुबह मजबूती के साथ खुला रुपया, शाम को डॉलर के मुकाबले 33 पैसे की गिरावट के साथ 62.42 के स्तर पर बंद हुआ। जनवरी 2014 में खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर 24 महीनों के निचले स्तर पर पहुंची। महंगाई दर 9.8% से घटकर 8.79% पर पहुंची। वित्त वर्ष 2014 की तीसरी तिमाही में ONGC का मुनाफा 17.5% से बढ़कर 7,126 करोड़ रुपए हुआ। वित्त वर्ष 2014 में यह मुनाफा 6,064 करोड़ रुपए रहा था।